नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका सिंह और श्वेता भी हैं। आज आपको बताएंगे कि आखिर सूरजपाल क्यों सहम गया। देखिए, इस साम्राज्य की जो कहानी है वो ऐसे है कि एक शख्स पहले यूपी पुलिस में नौकरी करता है, फिर बाबा का भेस ओढ़कर सत्संग करने लगता है और उसके बाद शुरू होता है चमत्कार, इसके अलावा अंधविश्वास और पाखंड का खेल। ये पाखंड का खेल ऐसा होता है कि लोग उसकी भक्ति करने लगते हैं, अंधविश्वास में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि इसी सूरजपाल को परमात्मा समझने लगते हैं। लेकिन जब खुलासे होते हैं बड़े बड़े, तो हैरान करने वाले होते हैं कि कैसे इस अंधविश्वास के चलते इस बाबा ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि हर कोई हैरान हो गया कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट। सूरजपाल और बाबा साकार हरी, हाथरस हादसे से पहले जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, शायद कई लोग उसका नाम तक न जानते हों, लेकिन अब उसके पाखंड लोग की कहानियां एक एक करके सामने आ रही हैं। बाबा के आश्रम और रहस्य लोग की परतें खुल रही हैं। बाबा के वो रूप सामने आ रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। पाखंडी बाबा का पाखंड लोग, हैंडपंप के पानी से अमृत निकलना, चरण रथ से बीमारी दूर होना, अलग अलग चमत्कारी चश्मे, चमत्कारी चाय, सोने का झूला, स्पेशल पिंक कार में, ये बाबा के पाखंड लोग की कहानियां हैं जो अब सामने आ रही हैं। बाबा के पाखंड की हर कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए आखिर चार दिन से गायब बाबा साकार जब सामने आया तो कैसे पीड़ितों के साथ खड़े होने की बात की, न्याय दिलाने की बात की। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित है। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो पाखंडी इतनी मौतों के बाद भी दुख दर्द हरने की बात करता है, उस बाबा ने पाखंड का ऐसा तिलिस्म रचा है कि लोग दीवाने हुए पड़े हैं। बाबा जहां भी सत्संग करता है वहां आश्रम के हैंडपंप का पानी बटवाता है। हैंडपंप का पाखंड हैंडपंप से अमृत निकलने का दावा करता है, जिसे हर रोग दूर होने का दावा होता है, और वो इसीलिए हर सत्संग में हैंडपंप का पानी बटवाता है। आके आश्रम में जाएंगे तो आपको हर जगह पे ये हैंडपंप देखने को मिलेगा। एक खास वजह जिससे भक्त बाबा से जुड़े हैं वो ये है कि भक्तों का कहना है कि बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें ऐसा तिलस्म पानी देते हैं जिससे उनकी जो बीमारियां हैं, जिससे उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें विज्ञान है, ये तो हम अपने दर्शकों के विवेक पर ही छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, भक्तों ने ये कहा है, कैमरे पर कहा है कि भक्त बाबा से जुड़ने की खास वजह ये है कि बाबा जो उनको मंत्र देते हैं, बाबा ने उनके लिए जो ये पानी दिया है इन हैंडपंप, ये हैंडपंप लगाकर, उससे उनकी परेशानियां काफी हद तक दूर हुई है। अगर हैंडपंप के पानी से ही सारी बीमारियां दूर होती हैं तो फिर अस्पतालों पर ताला लगा देना चाहिए। ढोंगी बाबा के भ्रम जाल की एक और कहानी सुनिए। प्रपंची बाबा अपने भक्तों में एक खास तरह का प्रसाद बंटवाता था। लोगों को बूटी के नाम पर प्रसाद दिया जाता था। प्रसाद भक्तों को धार्मिक समागम में तरल रूप में दिया जाता था। बूटी प्रसाद बनाते हैं, वो बीमारी, उससे बीमारी के लिए गुच्छ है, नींबू है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, और 5-7 चीजें डलती हैं उसका, नींबू प्रसाद बनता है। क्या क्या चीजें, 4-7 चीजें आप बता रहे हैं? 7 चीजें लौंग है, इलायची, काली मिर्च, काला नमक, चीनी, अदरक, नींबू और ये गुच्छ। साधु संत या बाबा आपने भगवा चोले में देखे होंगे,
लेकिन खुद को भगवान का अवतार बताने वाला ये बाबा जरा हटके है। सफेद कपड़े सफेद जूते में भक्तों को दर्शन देता है और तो और सत्संग में अलग अलग चश्मों से दुखरने का ढोंग भी करता है। चश्मों का भ्रम जा, नीले रंग के चश्मे से दिव्य दृष्टि डालकर ठीक करने का दावा, हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा, तो भूरे चश्मे अपने भक्तों को शांति देने के लिए लगाता था। भक्तों के जीवन में सुख शांति के लिए काला चश्मा पहनता था। इसे सूरजपाल का प्रपंच नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, जो लाखों लोगों के बीच खुद को परमात्मा बताए फिरता है। प्रपंच का पाखंड इतना गहरा है कि उसके भक्तों पर भ्रम का जाल अभी भी चढ़ा है। इसका सबूत है ये महिला, जिसने अपने घर में बाबा का मंदिर बना रखा है। महिला ने बाबा के सत्संग में मिलने वाली चाय पर भी खुलासा किया है। बाबा की चमत्कारी चाय, चाय से दुख कम होने का दावा किया जाता है। चाय 10-12 चीजें डालकर बनाई जाती हैं, फिर उसे बाबा को भोग लगाकर भक्तों में बंटवा दिया जाता है। कुछ हल्का सा लगने लगता है, कैसा लगता है कि नींबू भी उसमें डाल, तब बुखार उखार हो तो उतर जाता है। और कहा तो इसकी कुछ जड़ी बूटी गुड़ है ऐसा कि बाबा के प्रताप से ये सब होता है? अब सोच जाती तो बताना, जड़ी बूटी तो जाएंगे, जड़ी बूटी दिखाई ही रही है आपको। आप बता रही है वहाँ कार्यक्रम में जाती है तब बनता है, उस कार्यक्रम में मिलती है चाय ना? जो सवित्य पहुँची थे उसे मिल जाए, जो ना पहुँचे उसे ना मिले, जो 11 बजे पहले पहुंचे उसे मिल जाए। तो जब पीती हैं तो बाबा किस किस रूप में दिखाई देते हैं? आप बोल रही थी कि हनुमान जी। किसी रूप में ना, हनुमान रूप में ना काऊ, जिसे दिखाई देते वे लोग कहते हैं कि हमें इस रूप में दिखाई दे, हमें इस रूप में दिखाई दे। मैं कुछ सालों में ही इस बाबा ने अपने पाखंड का साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया कि कई जगह आलिशान आश्रम बना रखे हैं। आश्रम में वो सब सुविधाएं हैं जो किसी लग्जरी होटल में होती है। कासगंज में भी बाबा के आश्रम को लेकर बड़ा दावा किया जाता है। आश्रम के गेट से बाबा की गुफा का रास्ता जाता है। इसी गुफा में सोने का झूला है, जहां उसे कुछ महिला सेवादार झूला झुलाती हैं। सामने ये जो तीसरा गेट है, इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, ताला जड़ा हुआ है। निरीक्षण करने के लिए इनके सेवादार तैनात, लेकिन ये गेट काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इस गेट में कहते हैं कि बाबा जब भी आते हैं बाबा इसी गेट के अंदर प्रवास करते हैं। गेट के अंदर क्या है वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार तेज है कि गेट के अंदर बाबा का गुफा है, सोने के कंबल है, साथ ही साथ एक झूला है, जहाँ पे जब भी बाबा आते हैं तो 5 कन्याएं उन्हें झूला झुलाती है, पूजा आरती करती है। भक्तों को अंधविश्वास के चक्रव्यूह में फंसाकर अपनी दुकान चलाने वाले बाबा के पाखंड का सबसे बड़ा नमूना ये है। बाबा अपने चरणों की धूल से दुख दर्द दूर होने का दावा करता था। इसी चरण रज को लेने के चक्कर में भगदड़ मची, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है। खुद को अवतारी बताने वाले बाबा ने अपनी पूरी फौज तैयार कर रखी है और ये फौज बाबा के साथ हरदम मौजूद रहती है। नारायणी सेना नाम की इस फौज में सेवादार है, ब्लैक कमांडो है और पिंक आर्मी है। संख्या होगी बताइएगा भाई साहब जरा। यहाँ पे तो 9 महापुरुष रहते हैं। 9 जी। ऐसे टोटल कितने होंगे सेवादार? ऐसे तो हजारों की संख्या में जी। सबकी ड्यूटी 8-8 दिन की यहाँ लगती है? नहीं, यहाँ सिर्फ फिरोजाबाद जिला और बदायूं जिला के सेवादार रहते हैं। अच्छा। जी। तो अगर आप लोगों की ड्यूटी लगती है तो कुछ पैसा वैसा मिलता है? जी नहीं, पैसे नहीं मिलते। सेवा भाव से अपनी श्रद्धा आस्था से सेवा कर्म करते हैं। बाबा पर इतना टूट भरोसा है, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो बाबा के से जुड़ने में? परमात्मा कभी चमत्कार नहीं करते। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक मामूली सिपाही से बाबा बने सूरजपाल ने 15-20 सालों में ऐसी कौन सी सिद्धि पाली, ऐसी कौन सी दीक्षा ली जिससे वो खुद को अवतारी करार दे रहा है? ऐसा कौन सा पाखंड रचा जिसके माया जाल में भोले भाले लोग फंसते चले गए और वो अपने ढोंग का साम्राज्य खड़ा करता गया? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत।